तो हमने क्लास 7 स्टूडेंट्स, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, ध्यान से सुनना है एंड रेज योर हैंड हु नोज द आंसर। ठीक है, वट हैपन्स और यू कैन से वट कॉजेस टूथ डिके। Man said we don't know sheets. यस, एनीबडी, व्हाट कॉजेस टूथ डिके? रेज योर हैंड्स। दांत खराब हो जाते हैं ना, कैसे खराब होते हैं? डू यू रिमेम्बर? Eating chocolate. एक 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 बच्चा आके आके। यस एनीबडी, यस सेवंथ बी लास्ट स्टूडेंट, आ जाइए, कम फॉरवर्ड। व्हाट्स योर नेम बेटा? पहले अपना नाम बताओ। सेवंथ बी हरमन, हरमन। हाँ जी बेटा बोलो। मैम, बाय ईटिंग चॉकलेट्स। बाय ईटिंग चॉकलेट्स, दैट्स राइट, बट व्हाट द चॉकलेट्स डू? एनीबडी आप बताओ। यस आप, हरमन आप बैठो बेटा। यस थर्ड रो सेकंड बेंच। यस When we eat too much chocolates, it causes cavity. हाउ, कैविटी कैसे? चॉकलेट तो कैविटी नहीं करती है ना, कुछ और कैविटी करता होगा। आप बैठो। यस एनीबडी फ्रॉम सेवंथ ए, सेवंथ ए, भवन, भवन इज देयर। हाँ जी When we eat chocolate, more chocolates, when that our teeth is यस, टीथ गेट्स डिकेड, टीथ हैव द कैविटीज, बट हाउ डू यू रिमेम्बर? बैठो बेटा बैठो। डू यू रिमेम्बर दैट, पहले सुनना है सबने, आवर माउथ हैज बैक्टीरिया, यस और नो? सेकेंड पॉइंट, अवर टूथ या टीथ कवर्ड बाय, किससे कवर होता है? इनेमल से। डू यू नो दिस? अवर टीथ आर कवर्ड बाय इनेमल। ध्यान से सुनना है। थर्ड पॉइंट, स्वीट फूड और डिशेस वी ईट, हम कोई भी स्वीट फूड, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल कैंडीज, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सम लेफ्ट इन बिटवीन टीथ, जितनी मर्जी कोशिश कर लो बेटा, हमारे दांतों में फंसी रह जाती है, राइट? दीज स्वीट्स प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यस और नो? इससे हमारे बैक्टीरिया माउथ में और ज्यादा ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया चेंजेस स्वीट, स्वीट्स को डाइजेस्ट करके या स्वीट्स को साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करके चेंजेस इनटू
एसिड्स, यस और नो? यस एसिड्स, क्रोड, और यू कैन से, अगर करोड़ ना याद रहे, करोजन होता है खराब करना, करोड़ या ब्रेक्स, इनेमल। जब तक इनेमल है हमारे दांतों के ऊपर, दे आर प्रोटेक्टेड, बट ये एसिड्स दे डिजोल्व, यू कैन से डिजोल्व। इनेमल कुछ दांतों पे से, जहां पे एसिड ज्यादा है वहां पे इनेमल गेट्स डिजोल्व्ड, राइट? जो अंदर टूथ है, लिविंग इनेमल तो डेड है, लिविंग टूथ इज एक्सपोज्ड, इनेमल डेड है, बैक्टीरिया इनेमल को कुछ नहीं कर सकता, डेड चीजें थोड़ी खाता है, ठीक है? जैसे ही इनेमल डिसॉल्व हुआ कुछ टीथ का, बैक्टीरिया ने जो अंदर लिविंग टूथ थो उसको खाना शुरू कर दिया। दिस प्रोड्यूस कैविटीज इन टीथ, ठीक है? तो ये इस तरह से देयर अकर्स, यू कैन से, कैविटीज इन टीथ या डिके ऑफ टूथ कैसे होता है, आपने पढ़ा भी हुआ है, दोबारा से बता रही हूँ, एसिड्स के कारण होता है। एसिड्स किसने बताए बनाए? बैक्टीरिया ने बनाए। बैक्टीरिया को किसने ग्रो करने दिया? जो हमारे माउथ में स्वीट्स रह गए थे, मीठी चीजें रह गई थी जिनपे बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो करता है, उन कारण हमारा। तभी हम क्या कहते हैं बेटा, कि खाने के बाद मुंह को रिंस करो अच्छी तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट में यू मस्ट हैव हर्ड, इस पेस्ट में, इस टूथपेस्ट में नमक है। नमक क्या करता है? दैट इज, नमक इज बेस, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड्स को, राइट? तो जब एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नो कैविटीज आर देयर, राइट? अब मुझे सो व्हाट कॉजेस टूथ डिके, आई हैव टोल्ड यू, व्हाट डू यू मीन बाय टूथ डिके? फर्स्ट थिंग कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टूथ डिके है क्या। टूथ डिके इज फॉर्मिंग कैविटीज इन टूथ। कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया है। इनेमल जब भी आप लिखेंगे ब्रैकेट में लिख लेना नॉन लिविंग, जैसे सीमेंट होता है, इनेमल इज लाइक दैट ओनली, राइट? सो फटाफट से पहले ये लिखो, व्हाट कॉजेस टूथ डिके, जल्दी से, क्वेश्चन आना है आपके सितंबर टेस्ट में। देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड एंटर्स इन स्टमक फ्रॉम फूड पाइप? द फूड एंटर्स इन द स्टमक, व्हाट हैपेंस इन स्टमक? यस, एनीबडी, स्टमक में क्या चीज होती है? सेवंथ ए, सेवंथ ए में से बेटा, देयर इज वन गर्ल, यस, टुवर्ड्स विंडो, सेकंड बेंच, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, भाग करो, भाग कर। And in stomach, oxygen is present, which break down the food and change it into energy. बेटा स्टमक में नहीं होता, वो तो सेल्स के अंदर होता है रेस्पिरेशन। स्टमक में डाइजेशन होती है, डू यू रिमेम्बर? किस चीज की डाइजेशन होती है, कैसे होती है, क्या सिक्रीट होता है, डू यू रिमेम्बर? हाँ, Some acids. कौन से, कौन सा एसिड? यस, Hydrochloric acid.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड, वेरी गुड. एंड व्हाट एचसीएल डज, मैम इट डाइजेस्ट हाउ इट डाइजेस्ट द फूड. देखो डाइजेशन तो एंजाइम्स करते हैं, एचसीएल थोड़ी डाइजेशन करता है. आप बैठो बेटा. यस, कुछ आंसर आपने अच्छा दिया. यस, एनी स्टूडेंट फ्रॉम सेवंथ बी, सेवंथ बी हरजोत, भाग कराओ बेटा, कम क्विकली. व्हाट द एचसीएल डू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा हमारे स्टमक में, याद है? बैठो बेटा. एनीबडी हु रिमेम्बर्स. बेटा कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो इधर. एचसीएल क्या करता है, भूलना नहीं है, एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है ना. अगर एचसीएल कहीं पे डालें तो वो जल जाता है बेटा, राइट? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने किसी के ऊपर एसिड गेर दिया. एसिड अटैक्स के केसेस आपने सुने हैं कि नहीं टीवी पर, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द एसिड अटैक्स? यस, एक मूवी भी आई थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी. एक मूवी आई थी कि एक लेडी के साथ है ना, कोई भी किसी के साथ दुश्मनी हो, एसिड फेंक दो, उससे सारी उसकी स्किन जल जाती है. दिस इज वेरी बैड. उस बंदे को फांसी चढ़ा देनी चाहिए जो किसी को ऐसे करता है, ठीक है? बट समहाउ, राइट? सो एचसीएल, और हमारे स्टमक में भी तो यू कैन से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचसीएल, इज सच अ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या करता है हमारे स्टमक में एचसीएल? किल्स बैक्टीरिया. एंट्रिंग विद फूड, फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज, हवा में भी है ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे अंदर जाते हैं. ठीक है जी, तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं बेटा, सॉरी, ये एचसीएल क्या करता है, दे डाइजेस्ट, दे किल्स दीज बैक्टीरिया. देन सेकेंड पॉइंट, एचसीएल क्या करता है, एचसीएल एक्टिवेट्स एंजाइम. एंजाइम क्या है, एक सीजर की तरह से है, एंजाइम पेप्सिन. ठीक है, और HCl क्या चीज है, HCl इज एन एसिड, दिस इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन राइट? सो व्हाट द पेप्सिन डू, पेप्सिन ध्यान से देखना है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स. व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इंटू स्मॉलर यूनिट्स. सो प्रोटीन्स दे आर, पेप्सिन इज लाइक ए सीजर, एक कैंची की तरह से है जो काटती है. प्रोटीन्स जब कट जाते हैं, टूट जाते हैं, देन दे फॉर्म व्हाट इज, अमीनो एसिड्स. एसिड. देन थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड. ध्यान से पहले सुनो फिर लिखना. सो फैट्स, दे आर कट बाय एंजाइम लाइपेस इनटू, फैट्स टूट के क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स. दे फॉर्म फैटी एसिड्स, राइट? देन अनदर थिंग,
ध्यान से अब मेरी बात सुननी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अवर बॉडी सेल्स, सेल्स क्या है? छोटे छोटे चैम्बर्स है, राइट? तो एंड अवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स, यस और नो? बाद में लिखना, बाद में लिखना, इधर ध्यान दो बेटा, नई चीज है, छोड़ दो पेन, किसी ने नहीं अभी लिखना। आई विल टेल यू व्हेन यू हैव टू राइट। सो इन अवर बॉडी सेल्स व्हाट हैपन्स, द फूड, कौन सा फूड? सिंपल फूड, मेनली ग्लूकोज। इट ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? वन स्टूडेंट टोल्ड मी दैट इन स्टमक द फूड ब्रेक्स डाउन बाय ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। नहीं बेटा, नॉट इन स्टमक, स्टमक में तो डाइजेशन होती है, ठीक है? ये सेल्स के अंदर है, रेस्पिरेशन है ये। तो यहाँ पे सिंपल फूड बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज CO2, पानी व्हाट इज H2O, पानी वॉटर एंड एनर्जी। ये सेल है, यहां पे CO2 बना, और ये CO2 बाहर कहां पे आ गया? ब्लड में। CO2 जो सेल्स के अंदर बना वो आ गया ब्लड में। इन ब्लड CO2 डिजॉल्व्स इन वॉटर, CO2 प्लस वॉटर तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। यस और नो? सो व्हाट हैपन्स दैट वी ईट फूड, इट गोज इन टू डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज डाइजेस्टेड, स्टार्च इज डाइजेस्टेड टू फॉर्म ग्लूकोज। बेटा सेवंथ बी बच्चे, एंड दिस ग्लूकोज मूव्स इन टू ब्लड, फ्रॉम ब्लड द ग्लूकोज एंटर्स इन द सेल्स, इन द सेल्स ग्लूकोज बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। वॉटर रिमेन्स इन द सेल, एनर्जी इज यूज बाय द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन द ब्लड। इन ब्लड द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिजोल्व इन वॉटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, येस और नो? आपने थम्स अप, पेप्सी ये सब पिया है कि नहीं? है ना, पीते हैं, कोई से भी कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप उसको खोलने से पहले बहुत ज्यादा हिलाते हैं तो उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, ठीक है? और जब खोलते हैं तो एकदम झाग सी, हवा सी बाहर आ जाती है, यस? व्हाट इज दैट? डाइऑक्साइड यस, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन द कोल्ड ड्रिंक्स आर मेड, दे आर फॉर्म, जब फैक्ट्रीज में कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेशर से अंदर भर देते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स में मैक्सिमम क्या है? वाटर है। सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म, क्या बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? लिखा है मैंने यहाँ पे, यस, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ कार्बोनिक, कुछ तो CO2 बाहर निकल जाती है, और जो सोल्यूबल होती है दैट इज कार्बोनिक एसिड। सो विच एसिड इज फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक्स? हम कहते हैं ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे दांत खराब, आप कहते हैं चॉकलेट से खराब होते हैं, कोल्ड ड्रिंक से कैसे खराब होते हैं? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या है? एसिड है। एसिड क्या करता है? हमारे इनेमल को डिजोल्व करता है, यस और नो? यस है ना, तो इसलिए राइट डाउन फर्स्ट दिस ऑल्सो। डू यू हैव यू हर्ड अबाउट विटामिन सी इन क्लास 6? हैव यू स्टडीड दैट?
Yes, vitamin C. What is another name of vitamin C? Vitamin C is called as ascorbic acid. Can anybody tell me? This is another name. ठीक है, सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी? यस, सेवेंथ ए, फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट गर्ल. हाँ, ऑरेंज, ऑरेंज, लेमन एंड द रिचेस्ट सोर्सेस, सबसे ज्यादा विटामिन सी. हाँ जी, लेमन, नहीं लेमन नहीं, आंवला है ना, आंवले खाए है ना, आपकी मम्मा सब्जी में डालती होगी, आंवले का मुरब्बा बनाती होंगी, सुना है आमला का नाम क्या? नहीं, यस राइट. सो सोर्सेस ऑफ, नो, आपने अब विटामिन सी नहीं कहना, क्या कहना है? सोर्सेस ऑफ विटामिन सी. एस्कॉर्बिक एसिड. ताकि विटामिन सी तो आपको पता है, अब आपको ये भी याद होना चाहिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या है. सोर्सेस ऑरेंजेस, लेमन. आंवला, लेमन एटसेट्रा. एंड विटामिन सी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द गम्स. ठीक है, ये है. सो दीज आर द सोर्सेस. ठीक है, तो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन सी एवरीबडी? एस्कॉर्बिक एसिड, राइट. एंड इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ द गम्स. हमारे गम्स, मसूड़े जो है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है विटामिन सी करता है, राइट. देन दही, दही किसको अच्छी लगती है बेटा? कर्ड. हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड. एंड डू यू नो दैट कर्ड इज हेल्दी ऑल्सो? इट इज हेल्दियर देन मिल्क. मिल्क से ज्यादा हेल्दी जो है वो कर्ड है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ प्रोटीन्स, इट हैज विटामिन्स ऑल्सो, राइट. सो आई वॉन्ट टू आस्क, हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क? हाँ जी, कैन एनीबडी टेल मी? जो हम कर्ड में थोड़ी सी कर्ड डालते हैं रात को, जब मम्मा दही जमाती है तो उसके अंदर थोड़ी सी दही मिला देते हैं दूध में, कि नहीं? यस और नो? ठीक है, डू यू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट स्मॉल 1 स्पून ऑफ कर्ड? क्या होता है जो सारे दूध को दही में बदल देता है? यस, एनीबडी फ्रॉम सेवंथ बी जिसको पता है, आ गया हो? बैक्टीरिया. वेरी गुड, वेरी गुड. बैठो बेटा, क्या नाम है आपका? मैं प्रभकीरथ. प्रकीरथ. वेरी गुड बेटा. चलिए, तो यस, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया. सो हाउ हाउ द बैक्टीरिया चेंजेस मिल्क इन टू कर्ड, ये ध्यान से सुनना है. सो बैक्टीरिया कौन सा है, हम कह देते हैं, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तब भी नो प्रॉब्लम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. सो यू शुड रिमेम्बर बैक्टीरिया ओनली. लैक्टोबैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क शुगर इनटू मिल्क. में भी आप देखो, आप अगर चीनी, आई डोंट नो कि आप शुगर मिला के पीते हो कि नहीं, बट स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क विदाउट शुगर. एक दो दिन अजीब लगेगा, बट उसके बाद आप देखोगे कि दूध हमें वैसे ही मीठा लग रहा है, हमें जरूरत नहीं है उसमें चीनी की, बिकॉज मिल्क ऑलरेडी है शुगर. तो मिल्क शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इनटू
लैक्टिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस लैक्टिक एसिड कोएगुलेट्स, कोएगुलेट्स का मतलब होता है इकट्ठा करना. हिंदी में मैं लिख रही हूं, इकट्ठा करना. वो जितना प्रोटीन है ना उसको सबको इकट्ठा कर देता है, ठीक है. जब वो इकट्ठा प्रोटीन, नहीं तो प्रोटीन्स फैले हुए थे, अब उनको इकट्ठा कर दिया तो बाकी का पानी रह जाता है और प्रोटीन्स कर्ड बना देते हैं. कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन फॉर्मिंग कर्ड. तो हम क्या कहेंगे, देयरफोर कर्ड हैज प्रोटीन्स, और एक और प्रोड्यूस करता है विटामिन B12, ठीक है. कर्ड में, ये मिल्क में नहीं होता है ये, ठीक है. मिल्क में प्रोटीन्स होते हैं बट वो फैले होते हैं, अब इसने इकट्ठा कर दिया. मिल्क में शुगर होती है बट अब कर्ड में शुगर नहीं रही, तो ना तो शुगर है कर्ड में और प्रोटीन्स इकट्ठे हो गए, और साथ में एक एडिशन में क्या आ गया, विटामिन B12 आ गया. तो किसने कर्ड बनाई, लैक्टिक एसिड ने. और लैक्टिक एसिड किसने बनाया, अगेन बैक्टीरिया ने, ठीक है. जल्दी से लिखो, राइट डाउन. है ना, चींटियां काट जाती है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एकदम स्वेलिंग सी हो जाती है, यस और नो, है ना. और वहां पे ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, यस और नो. डू यू नो व्हाई इट हैपन्स, एनीबडी, जल्दी से, ये आपने किया हुआ है, व्हाई इट हैपन्स. एंट जब काटती है तो हमारे अंदर, यस देयर इज वन बॉय इन सेवंथ ए, जल्दी से आओ. बिकॉज इट हैज कंटेन एसिड. कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड. हाफ आपने आंसर अच्छा दिया है. क्या नाम है आपका बेटा, हरजोत, वेरी गुड गुरजोत, बैठो बेटा. सो आंसर इज व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स, थोड़ा सा ही है चाहे, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड. इन अवर ब्लड विच कॉजेस, छोटी सी चींटी है, थोड़ा सा ही फॉर्मिक एसिड होगा. विच कॉजेस स्लाइट, स्लाइट मीन्स थोड़ी सी, स्लाइट स्वेलिंग एंड इचिंग. इचिंग मीन्स खारिश हो जाती है, राइट. राइट डाउन. Then, unripe mangoes and tamarind. Do you know what is tamarind? Tamarind का मतलब होता है इमली. क्या करते हो? कैसी होती है? कैसा टेस्ट होता है इमली का? सावर खट्टा होता है ना, सार टेस्ट है. और ऐसे ही कच्चे आमों का भी. सो दीज आर सार इन टेस्ट एंड दिस इज ड्यू टू, यू नो, ड्यू टू
टार्टरिक एसिड. सो द सार टेस्ट ऑफ अनराइप मैंगोज एंड इमली इज ड्यू टू टार्टरिक एसिड. एप्पल, इट हैज मेलिक एसिड. जरूरी नहीं कि सभी चीजों का एक जैसा टेस्ट हो. एप्पल का जो टेस्ट है दैट इज ड्यू टू मेलिक एसिड. डू यू नो विनेगर, Yes. सिरका एंड Yes. व्हाट इज विनेगर? विनेगर इट इज Acid. एसिटिक एसिड. एज इट किल जर्म्स, बैक्टीरिया. मैंने बताया एसिड्स, कुछ एसिड्स प्रमोट भी करते हैं, कुछ एसिड्स जो है वो मारते भी है बैक्टीरिया को. सो एज इट किल जर्म्स देयरफॉर इट इज यूज्ड इन पिकल्स, चटनीज एंड कैंड फूड्स. कैंड फूड्स का क्या मतलब है? पैक्ड फूड्स. पैक्ड फूड्स किसमें डाले होते हैं? दैट इज विनेगर में. राइट. चलिए अब मुझे ये बताइए कि जो भी हमने अभी तक जो लिखा है, देखो एक बार, रीड इट, जो भी हमने पहले से एक लिखा है, फ्रॉम टूथ डिके से जितनी हमने 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई है, आई हैव टोल्ड यू 10 एग्जाम्पल्स. व्हाट इज कॉमन इन दीज 10 एग्जाम्पल्स? In each example, there is acid. यस, वेरी गुड. So, this is now you can tell me which chapter are we going to start with? Acids and bases. तो मैंने आपको क्या बताया है? एसिड्स के बारे में बताया है कि एसिड्स, पहली बात तो एसिड्स जो है, फर्स्ट है, दे आर सार इन टेस्ट. जनरली जो है खट्टे होते हैं, डिफरेंट टाइप का खट्टा हो सकता है, बट दीज आर सार इन टेस्ट. सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल ऑल्सो. यस और नो? यूजफुल आपको बहुत पता है, हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम कहें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स, It burns the skin. हम पहले हम ये कहेंगे, सबसे पहले आपको क्या मुंह में क्या था? कॉजेस, टूथ डिके, यस और नो? Yes. देन फॉर्मिक एसिड इन आर्ट्स, Yes. फॉर्मिक एसिड ऑफ एंट्स कॉजेस स्वेलिंग एंड ईचिंग. हम नेचुरल की बात हम करेंगे. देन एसिड्स, यू नो, डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर
causes? एसिड रेन। बेटा जब, अभी मैं बताती हूँ एसिड रेन कैसे आती है, आई विल टेल यू। बट जब वो एसिड्स पानी में, बारिश आ रही है, रेन आ रही है, उसमें डिजोल्व हो गए पानी में, एसिडिक गैसेस थी जो एनवायरनमेंट में थी, दीज गैसेस डिजोल्व इन रेन वाटर एंड द रेन विच कम्स आउट हैज एसिड इन इट एंड इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। एंड व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट? आप देखो एसिड, मैंने बताया आपको, कोरोजन कर देता है, क्योंकि बहुत सारा पानी है, हमें तो नहीं इमीडिएट इफेक्ट कर रहा, बट इट क्या कर रहा है, बर्न प्लांट्स। ऐसे नहीं कि प्लांट्स में आग लग गई, बट धीरे धीरे प्लांट्स जो है वो जल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करता है बेटा? मेटल्स यस, कोरोजन ऑफ, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड स्टोन्स। बेटा एक थी, जैसे आगरा में ताजमहल है ना, ताजमहल किसका बना हुआ है? मार्बल का बना हुआ है। तो आगरा के पास मथुरा है, मथुरा में एक पहले एक रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी थी, ठीक है। वो बहुत सारी एसिडिक गैसेस जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ती थी, तो आसपास जब भी बारिश होती थी तो वो एसिड रेन होती थी, जिसके कारण क्या हो गया कि जो वो ताजमहल का जो मार्बल था, इट इज यू नो स्नोई व्हाइट, इट स्टार्ट्स बिकमिंग पेल, पीला होना शुरू हो गया। तो वो तो हमारी क्या है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है ताजमहल। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, मथुरा रिफाइनरी को बंद कर दिया, ठीक है, या उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया, राइट। सो इट कॉजेस कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड स्टोन्स। एंड थर्ड थिंग, किल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि एसिड रेन का पानी कहाँ पे जाएगा? रिवर्स में जाएगा, ओशंस में जाएगा, और वहां पे पानी है, इकट्ठा हो जाएगा, एसिड रेन का बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो पानी में भी एसिड चले गए, तो वहां के जो जानवर है वो बेचारे मरने शुरू हो जाएंगे। इज इट राइट? एंड यूजफुल इफेक्ट्स, यू नो, अगर हमारी बॉडी में ही देखें तो फर्स्ट यूजफुल इफेक्ट क्या है, एचसीएल इन द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन, इट किल जर्म्स, इट एक्टिवेट्स एंजाइम। देन अनदर थिंग, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, अगर बन रहे हैं तो वो किसी ना किसी यूज के भी होंगे। देन एसिड्स, एसिटिक एसिड, इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, राइट। कर्ड इज फॉर्म्ड बाय लैक्टिक एसिड, यस और नो, ठीक है। देन द टेस्ट ऑफ वेरियस फ्रूट्स, दैट इज ऑफ एसिड, ड्यू टू एसिड्स। देन विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, इंपॉर्टेंट फॉर अवर गम हेल्थ, यस और नो, ठीक है। तो आपने आज का आपका होमवर्क क्या है, राइट डाउन योर होमवर्क, ठीक है, ये आपने करके आना है बेटा, और अपनी टीचर को चेक भी कराना है, यूजेस ऑफ, वेरियस यूजेस ऑफ एसेट्स, वेरियस यूजेस ऑफ एसेट्स, और दूसरा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। ये तीन मैंने बताए हैं, ठीक है, और आपने जो है, आपने कुछ जो है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपने अपनी बुक्स पढ़नी है एसिड बेसिस से, ठीक है जी, राइट। सो यू हैव टू डू दिस, और क्योंकि अब आपका टाइम हो रहा है, और आपने अगली बार क्या करना है बेटा, रिमेंबर दैट कि अपनी जो हीट वाली असाइनमेंट है वो भी अगली बार, जैसे हमने एसेट्स का काम किया है, ऐसे मैं आपको बहुत सारी चीजें बेसिस के बारे में भी बताऊंगी कि बेसिस कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ पे है, नेचर में कहाँ पे है, आसपास कहाँ पे है, ठीक है। और फिर हम, इट विल टेक टाइम बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो अनदर थिंग कि अगली बार हीट की असाइनमेंट भी लेके आनी है, उसके भी हम क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ, इज इट ओके? अगली यस बार किसका टेस्ट ले लें, या एसिड्स का ले लें कि हीट का ले लें? मैम, मैम एसिड,
बेटे थोड़ा सा हीट का भी पढ़ के आएंगे आप, है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन का पढ़ के आएंगे, यस और नो, ठीक है ना? और हम अगली बार दोनों का छोटा सा 15 मिनट का टेस्ट लेंगे, राइट? ओके बेटा, बाय बाय। बाय।